तो हेलो गाइस, बॉन्ग स्क्रिप्ट के नए वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे हमारे पास से आप लोग जो लोग रिचार्ज सॉफ्टवेयर परचेस कर रहे हो, जो रिचार्ज सॉफ्टवेयर बना रहे हो, तो आप लोग कैसे अपना रिचार्ज सॉफ्टवेयर मैनेज करोगे एंड उसमें क्या क्या फीचर आपको देखने को मिलता है, तो सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दो। तो एज यू कैन सी हम लोग हमारे वेबसाइट में आ गए हैं। इधर आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलता है जो रजिस्टर ऑप्शन मिलता है, तो रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप मिलता है। पॉपअप में क्लिक करने के बाद आपको मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर तीनों का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप रिटेलर में क्लिक करते हो तो आपको एक फॉर्म पॉपअप आ जाएगा जहाँ पे आपको अपने रिटेलर बना सकते हो। रिटेलर बनाने के लिए कुछ भी नहीं, रिटेलर का नेम, पेरेंट्स नेम, उसका एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, फोन नंबर, ऑल्टरनेटिव नंबर, ईमेल सब कुछ देके सबमिट करोगे तो वो रिटेलर बन जाएगा। इसके बाद हमारा ऑप्शन जो आता है आप इधर देख सकते हो, न्यूज़ अपडेट। न्यूज़ में जाके आप लोग जो अलर्ट अपने रिटेलर को अलर्ट दे सकते हो कि आपका रिचार्ज फाइन चल रहा है या आपका कोई प्रॉब्लम हुआ है या एयरटेल में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो आप सभी कुछ इधर अपडेट कर सकते हो एंड रिटेलर का ऐप के अंदर ये न्यूज़ शो हो जाएगा, ठीक है। एंड इसके बाद हमको एक और ऑप्शन मिलता है रिचार्ज हिस्ट्री। अगर आप रिचार्ज में क्लिक करोगे तो आप इधर देख सकते हो कि कौन आज कितना रिचार्ज किया, उसका कितना सक्सेस हुआ, कौन सी एपीआई से हिट किया, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आप इधर देख सकते हो एंड जीपीआर इसका मतलब ऐप से किया है एंड अगर वेब इधर लिखा रहेगा तो इसका मतलब जो है वो रिटेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो है वो अपने वेबसाइट से रिचार्ज किया है। एंड इस सॉफ्टवेयर का बहुत एक खासियत बात है कि इस सॉफ्टवेयर में डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर सब कुछ सभी यूज़र जो है वो रिचार्ज कर सकते हैं अपने प्लेटफॉर्म से। तो उसके बाद आपको साइड इंक्वायरी का ऑप्शन मिल जाता है, मतलब आपको वेबसाइट में कोई आता है इंक्वायरी करता है तो आप इधर जाके देख सकते हो। इसके बाद आपको ऐड एपीआई का ऑप्शन मिल जाता है, ऐड एपीआई में क्लिक करोगे तो आप खुद से जो है अपने वेबसाइट में एपीआई ऐड कर सकोगे, ठीक है। इधर देख सकते हो, इधर माई आरसी का एक एपीआई लगा हुआ है, उसके बाद इधर एसएमएस एपीआई लगा हुआ है, उसके बाद इधर जो है राधे पे का एक एपीआई लगा हुआ है, तो आप खुद से एपीआई भी लगा सकते हो। एपीआई लगाने के लिए कुछ भी नहीं, ऐड एपीआई में क्लिक करोगे एंड उसके बाद वो जो एपीआई का जो डॉक्यूमेंट है वो देख के जस्ट आपको फिलअप कर दोगे। तो इसके बाद वाला वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा आप कैसे खुद से एपीआई लगा सकते हो अपने वेबसाइट में, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपने वेबसाइट में खुद से एपीआई आप कैसे लगा सकते हो। तो इसके बाद आपको ऊपर में देखो कस्टमर में रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाता है, जो इधर सेम है रजिस्टर का ऑप्शन। उसके बाद आपको मैनेज का ऑप्शन मिल जाता है, तो अगर आप मैनेज में क्लिक करोगे तो आप किसको मैनेज करना चाहते हो, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर को। तो मैं रिटेलर को मैनेज करना चाहता हूँ, तो रिटेलर में क्लिक करने के बाद मेरे सामने सभी रिटेलर आ जाएगा। इसके बाद जस्ट सपोज मैं एक रिटेलर का अकाउंट में लॉगिन करना चाहता हूँ तो आप ए सॉफ्टवेयर के अंदर से अपने रिटेलर का अकाउंट में लॉगिन कर सकोगे। तो ये बहुत एक एडवांस फीचर आपको मिल जाता है कि अपने रिटेलर का अकाउंट में खुद लॉगिन कर सकोगे, ठीक है। उसके बाद आपको इधर उसका प्रोफाइल एड करने का ऑप्शन, एड बैलेंस का ऑप्शन, रिवर्ट बैलेंस का ऑप्शन, सपोज आपने किसी रिटेलर को एडवांस से ज़्यादा अमाउंट का पैसा भेज दिया तो आप उनके अकाउंट से पैसा जो है रिटर्न कर सकोगे। इसके बाद मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आप कैसे रिटेलर के अकाउंट में खुद लॉगिन कर सकोगे। आप देख सकते हो मैंने रिटेलर के अकाउंट में लॉगिन कर लिया। अब मैंने आपको बोला था कि इस सॉफ्टवेयर में आपको एपीआई बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है कि सपोज आपने रिटेलर बनाया तो रिटेलर भी अपने अपने अकाउंट से एपीआई निकाल के किसी सॉफ्टवेयर में लगा सकता है। तो वो कैसे करेगा, आप इधर देख सकते हो मेन्यू का एक ऑप्शन मिल जाता है, मेन्यू में जाके उसको एक ऑप्शन मिलेगा डेवलपर एपीआई। डेवलपर एपीआई में जब वो क्लिक करेगा तब उनके सामने जो है उसका जो डॉक्यूमेंट है सब कुछ वो मिल जाएगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट से आप वो एपीआई लगा सकते हैं अपने सॉफ्टवेयर में, ठीक है। मतलब आपका सॉफ्टवेयर में रिटेलर हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, सुपर हो, सबको एपीआई का डॉक्यूमेंट मिलेगा एंड वो लोग अपने खुद का वेबसाइट में या किसी और जगह पे एपीआई लगा सकता है बहुत ही आसानी से। तो इसके बाद मैं जस्ट एडमिन में रिटर्न करता हूँ, तो मैं अभी एडमिन में आ गया हूँ। इसके बाद आपको बैलेंस ट्रांसफर का ऑप्शन मिलता है जहाँ से आप रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर को बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। तो उसके बाद हमको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है, तो सेटिंग में आके आप लोग लोगो चेंज कर सकोगे, कॉन्टैक्ट अपडेट कर सकोगे, स्विच एपीआई कर सकोगे। स्विच एपीआई क्या होता है जस्ट मैं आपको आज दिखा देता हूँ स्विच एपीआई क्या होता है। तो सपोज आपने एक आपका एक डिफॉल्ट एपीआई है एंड उस एपीआई से आपका रिचार्ज फेल्ड हो जा रहा है एंड आप नहीं चाहते कि अदानी गैस का जो है
रिचार्ज जो है फेल हो जाए तो आप क्या करोगे, सेकेंडरी आप एक APIs को सेट कर दोगे, ठीक है। तो जब आप एक सेकेंडरी एक API को सेट करोगे तो अगर आपको MyRC से कोई रिचार्ज फेल हो जाता है तो वो तुरंत ऑटोमेटिक और दूसरे API से हिट करके रिचार्ज हो जाएगा। तो ये स्विचिंग का भी ऑप्शन आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। एंड उसके बाद आपको API सेटिंग में जाके आप API सेटिंग कर सकोगे, कमीशन सेट कर सकोगे, कमीशन प्लान बना सकोगे, एड बैलेंस एड बैंक अकाउंट कर सकोगे, बैंक डिटेल्स का एडिट कर सकोगे, बिजनेस टाइप आप एडिट कर सकोगे, ठीक है। UPI सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। एंड इस सॉफ्टवेयर में बहुत एक खासियत बात है कि आप किसी का भी पेमेंट गेटवे इस सॉफ्टवेयर में लगा सकोगे, ठीक है। Paytm का हो गया, रिजर्व पे का हो गया, UPI पेमेंट गेटवे हो गया। तो मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आप UPI पेमेंट गेटवे अपने सॉफ्टवेयर में लगाओ, क्योंकि वो उससे क्या होता है, उससे आपको जो पेमेंट तुरंत आपके अकाउंट में मिल जाता है। Paytm से क्या होता है, आपको 2-3 दिन वेट करना पड़ता है, उसके बाद ही आपके पास जो है पैसा आता है। पर UPI पेमेंट गेटवे से आपको तुरंत आपको जो है पैसा अपने अकाउंट में चला आता है, तो उससे आपको बिजनेस करने में बहुत ही आसानी होगा। तो के लिए मैं उसके बाद आपको दूसरा फीचर दिखाता हूँ। तो रिपोर्ट में आपके आप देख सकते हो कितने रिचार्ज पेंडिंग है, रिचार्ज हिस्ट्री क्या है, उसके बाद ट्रांजेक्शन आप चेक कर सकोगे किसी का भी, एंड अकाउंट रिपोर्ट चेक कर पाओगे किसी का भी। एंड उसके बाद आपको माई अकाउंट में जाकर पासवर्ड चेंज कर पाओगे, एंड सपोर्ट में आप अलर्ट सेट कर पाओगे, सपोर्ट टिकट रेज कर पाओगे, एंड ये सब ऑप्शन आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाता है। बहुत ही सिंपल एंड मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है इस सॉफ्टवेयर का। एंड खासियत है कि सॉफ्टवेयर में सब कुछ आपको क्लीन मिलता है, ऐसा नहीं कि कोई डिज़ाइन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं, सब कुछ आपको क्लीन एक सॉफ्टवेयर मिलता है बहुत ही कम प्राइस में। इस सॉफ्टवेयर का फुल प्राइस है आपको 7,000 रुपीज़। एंड इसके साथ आपको एप्लीकेशन, उसके बाद एडमिन पैनल, उसके बाद वेबसाइट, एंड SSL हो गया, पेमेंट गेटवे हो गया, आर ऑफर आपको लाइफ टाइम फ्री मिलेगा, उसके बाद जो है जो आपका सर्वर कॉस्ट रहेगा बहुत ही कम रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 मंथ का फ्री सर्वर रेंट आपको रहेगा, कि 2 मंथ आपको सर्वर रेंट नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, फ्री रहेगा हमारी तरफ से। एंड सब कुछ आपको मिला के 7,000 कॉस्ट आएगा इस सॉफ्टवेयर को, जहाँ पे आपको सिर्फ आधा पेमेंट करना है। एंड जब आपका सॉफ्टवेयर रेडी हो जाएगा उसके बाद आपको जो है फुल पेमेंट कर देना है, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर के साथ आपको ये फैसिलिटी मिलता है। तो आज का वीडियो यही तक था कि इस सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर मिलता है, इस सॉफ्टवेयर में आप कैसे खुद से API लगा सकोगे, उसका वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आज का वीडियो यही तक। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग सब्सक्राइब कर दोगे, एंड जिनको भी रिचार्ज सॉफ्टवेयर चाहिए तो हमारे से कॉन्टैक्ट कर लो।